बज गया बिगुल, बिच गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी हार, सत्ता के सबसे बड़े गढ़क्षेत्र का हाल, उत्तर प्रदेश के चुनावी दंगल की सबसे बड़ी खबरें, विधानसभा का महासंग्राम सिर्फ R9 भारत पर। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, यूपी का महासंग्राम मिशन 2022। यूपी सीतापुर के विधानसभा 145 मोहली के अंतर्गत ब्लॉक एलिया के ग्राम कबीरपुर में मीडिया द्वारा जनता सर्वेक्षण, कौन बनेगा यूपी का अगला मुख्यमंत्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं R9 भारत नेशनल न्यूज चैनल, मैं आपके साथ सर्वेश दीक्षित। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, यूपी में विधानसभा चुनाव की तैयारियां हो रही हैं, तो ऐसे में जनता किसे अपना विधायक चुनेगी, क्षेत्र से किसे अपना विधायक बनाएगी और किसे अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहेगी, ये जानने के लिए हम मौजूद हैं इस समय यूपी सीतापुर के विधानसभा 145 मोहली के अंतर्गत ब्लॉक एलिया के गाँव कबीरपुर में, जहाँ पर ब्राह्मण समुदाय के लोग एकत्रित हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कितने लोग पीछे इकट्ठा हुए हैं अपनी राय देने के लिए। तो हम जानकारी लेते हैं ब्राह्मण समुदाय आखिर किधर जा रहा है। जैसा कि योगी सरकार ने राम मंदिर बनवा दिया है और अखिलेश जो है इलेक्शन जीतने के बाद ब्राह्मणों को अपने तरफ मिलाने के लिए परशुराम जी का मंदिर बनवाने के लिए बात कह रहे हैं, तो लेकिन ब्राह्मण किधर जा रहा है, ये जानकारी लेने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं कबीरपुर में। जानते हैं कि आखिर इन ब्राह्मणों का क्या रुख है। जी भैया, आप बताएं कि आपको अखिलेश यादव पसंद है या मायावती या कांग्रेस या फिर योगी जी। हमें योगी जी पसंद है, मगर जो जानवर नुकसान कर रहे हैं, हमारा गेहूं खा रहे हैं, उसकी रोकथाम हो जाए तो अच्छी बात होगी। मतलब आवारा पशुओं वाली समस्या है। हाँ, वो हमारा पशुओं वाली समस्या है, उसे रोकथाम हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। बाकी पसंद तो योगी जी है। योगी जी है तो क्या आप दोबारा फिर से योगी जी को सत्ता में लाओगे आप लोग। सत्ता में दोबारा लाने की पूरी कोशिश है, तैयारी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित कुमार मिश्रा है। कौन सा गांव है? ग्राम कबीरपुर है। इधर दादा, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम राम स्वरूप मिस्त्री है। राम स्वरूप मिस्त्री, आप ये बताएं कि आपको योगी के विकास कार्य पसंद है या अखिलेश यादव के? विकास तो पसंद है, लेकिन हमें कुछ नहीं लाभ मिला। आपको कोई लाभ नहीं मिला? खेती वाला वही नहीं मिला, ना कोई आवास मिला, ना कोई लेटरिन मिली, कुछ नहीं। मतलब कोई आवास, कोई विकास का, मतलब कोई सुविधा आपको सरकार की तरफ से नहीं मिली? ना कोई सुविधा। अच्छा, गल्ला मिल रहा महीने में? गल्ला मिल रहा, गल्ला मिल रहा है। तो फिलहाल आपको नहीं मिल रहा, इसमें कहीं ना सरकार की कमी नहीं है, तो यहाँ प्रशासन की कमी है ना? सरकार की कमी, प्रशासन की कमी है। तो आप वोट तो फिर भी करेंगे, किसी को वोट तो दोगे? बिल्कुल देंगे। तो आप किसको वोट दोगे? वो ये मोदी को देंगे, योगी जी को। मतलब योगी के कार्य पसंद है, क्या कारण है आपको योगी ही पसंद है? अब इतनी सहायता कोई सरकार नहीं किया है, इतना कोई नहीं किया है गरीबों के लिए ना। अच्छा, इसलिए योगी जी पसंद है आपको। आप बताएं दादा, नाम बताएं अपना। राजेंद्र प्रसाद तिवारी। राजेंद्र प्रसाद तिवारी, आप ये बताएं कि सरकार योगी जी की अच्छी है या अखिलेश यादव की? सरकार योगी जी की अच्छी है। योगी जी की। योगी जी के कोई विकास कार्य बताएं? विकास कार्य भाई हमारे यहाँ क्षेत्र में तो हुआ नहीं। नहीं हुआ है तो आपको? हमारे गांव से जो रोड गया है कबीरा बाबा स्थान तक, हाँ, खाना खा के जाओ यहाँ से तो दर्द होने लगती है, साइकिल में तरह खंजा खड़बड़ खड़बड़ होता है। अच्छा अच्छा, मतलब रोड वाली समस्या है क्षेत्र में। तो फिर वो फिर योगी जी कैसे पसंद है? जब योगी जी कैसे, योगी जी के जो कार्य हैं वो सब अच्छे कर रहे हैं, मोदी जी जो हैं वो कार्य सब अच्छे कर रहे हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र का जो विधायक है, विधायक सही उसने नहीं किया है। तो आप इसमें गलती विधायक की है ना? हाँ, गलती। तो आप किसको वोट देंगे? वोट हम भाजपा को देंगे। वोट भाजपा को ही देंगे? बिल्कुल। मतलब विधायक का काम करें चाहे ना करें, वोट फिर भी आप देंगे? हाँ, भाजपा को देंगे। आपका वो है जरूर, थ्रो है गरीब सांसद वो है वो। आप बताओ आपका क्या नाम है? आप ये बताओ कि आपको कौन सी सरकार पसंद है? हमका भाई हमका। आपको क्या लगता है दोबारा योगी जी सत्ता में आएंगे? हाँ बिल्कुल यही है, आएंगे। हाँ, अखिलेश यादव? अखिलेश यादव नहीं हुई है। अखिलेश यादव नहीं हुए, क्योंकि बहुत से भाजपा के नेता जो है दिग्गज नेता कहे जाने वाले, हाँ, और भाजपा को छोड़ करके सपा में शामिल हो गए हैं। वही शामिल चाहे यहाँ हो जाए, लेकिन हम वाट भाजपा में आ देंगे, वही हो या ना हो उनकी किस्मत जाने। आप वोट भाजपा को ही दोगे? हाँ। ऐसा क्या अच्छा लगा आपको योगी जी के बारे में? हमका अच्छा ये लगा कि गौ हत्या होते रहे वह सब बंद करवाई। अच्छा, गौशाला बनवाई और 2000 रुपया में देते हैं तीसरे चौथे महीना। हाँ हाँ। और गलत काम उनका कोई ना है, जत्ता नहा जो
दिहनी है, अब तक कोई सरकार नहीं दी थी। अच्छा ये बताओ आवारा पशुओं से नुकसान भी तो फसलों को हो रहा है, तो जब बाड़ा बने हैं तो उनमें भरो काहे नुकसान हो। छोड़ी तो हम है, छोड़ी तो हम है, दूध उखा लिए और उनका छोड़ दिए। मतलब कुल मिला के योगी जी बढ़िया है। हाँ योगी जी बहुत बढ़िया है। आप अपना नाम बताए दादा? हमारा जगदीश प्रसाद। आप बताओ आपको कौन सी सरकार पसंद है? यह है मोदी जी की पसंद। मोदी जी की पसंद है। मोदी जी की पसंद है। अच्छा अखिलेश यादव की क्यों नहीं पसंद है? विकास कार्य तो अखिलेश यादव ने भी बहुत से कराए हैं। अरे कराए नहीं है, लेकिन इनके इनके इतना किसी ने नहीं किया है। अच्छा तो योगी जी दोबारा सत्ता में आएंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे? अखिलेश यादव नहीं बने तिवारी। आप ये बताएं कि आपको कौन सी सरकार पसंद है? योगी जी। योगी जी। अखिलेश यादव में क्या कमी है? कमी है वहाँ, उसमें बहु बेटियाँ सुरक्षित नहीं रहती हैं, पहली बात ये। दूसरी बात ये मुसलमानों का जलवा रहता है, मुस्लिम समुदाय का। हाँ हिंदुओं, हिंदू जितने हैं वो सताए जाते हैं। अच्छा रोड पर मारे जाते हैं हिंदू। इसलिए हमें योगी बाबा की सरकार पसंद है। योगी सरकार में कोई जाति पक्ष नहीं होता, किसी जातिवाद का नहीं हुआ, हर जलवा रहता है मुस्लिम समुदाय का। हाँ हिंदुओं, हिंदू जितने हैं वो सताए जाते हैं। अच्छा रोड पर मारे जाते हैं हिंदू। इसलिए हमें योगी बाबा की सरकार पसंद है। योगी सरकार में कोई जाति पक्ष नहीं होता, किसी जातिवाद का नहीं हुआ, हर जात को, हर समुदाय को जो व्यवस्था उन्होंने दिया, हर व्यक्ति को दिया। अच्छा योगी जी के कोई विकास कार्य बताएं जो अखिलेश यादव से हटकर के उन्होंने किए हैं? योगी जी ने राम मंदिर बनवाया, निर्माण किया। आज तक इतनी सरकारें हुई, 70 साल में किसी ने नहीं बनवाया। किसानों को जो पैसा मिलता है वो पहले भी तो आता था किसानों के लिए, वो पैसा रास्ते में गायब हो जाता था, गाँव तक आता ही नहीं था। अब किसानों को सीधे मिल रहा, डायरेक्ट खाते में आ रहा, उसमें 2000 में 1 रुपया कोई नहीं ले रहा है। अच्छा गल्ला मिल रहा है? गल्ला बराबर मिल रहा है। महीने में कितनी बार? दो बार। तो क्या नाम है, योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे? पूरे जितनी थी 300+। अच्छा अपर्णा यादव जो है सपा को छोड़ करके, हाँ? अखिलेश मुलायम की बहू है। हाँ? ये भाजपा में शामिल हुई है, तो इससे सपा में कोई फर्क पड़ेगा? हाँ बिल्कुल पड़ेगा। जब वो अपने परिवार को नहीं देख पा रहे तो हमको क्या देखेंगे, हमारी सुरक्षा क्या करेंगे? उनकी सगी भाइयो है अखिलेश की और मुलायम के सगे समधी हरिओम यादव जो भाजपा में शामिल हुए, तो उनको परिवार से मतलब नहीं, परिवार को अपने लेकर चल पा रहे, तो प्रदेश और देश को क्या चलाएंगे? अच्छा अटकलें ऐसी भी सुनी जा रही हैं कि शिवपाल यादव भी सब भाजपा में आने वाले हैं, ये कहां तक सच है? आ जाए अच्छी बात है। अच्छा। भाजपा हर व्यक्ति के स्वागत कर रही है, स्वागत करने के लिए हम लोग तैयार बैठे हैं, जो भी आ जाए हमारे में हम उसको स्वागत है। तो योगी जी की सरकार बिल्कुल बनेगी, पूरी ताकत, पूरी चाहे जितनी ताकत लगा ले विपक्ष, सरकार पूरी 100% बनेगी। महीने में 2 बार गल्ला मिलता है यार, खाते हो नहीं खाते? बताओ आपको कौन सी सरकार पसंद है? योगी जी पसंद है। योगी जी क्यों पसंद है? अरे इसमें तो बहुत आराम है, 2 बार गल्ला देते हैं। अच्छा और पैसा भी जब तक आता है, पैसा भी मिलता है। हाँ। योगी जी पसंद है। योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे? हाँ, बनेंगे। जिसको नहीं मिला है उसको। आप पहले नाम बताएं। हमारा अवधेश मिश्रा नाम है। अवधेश मिश्रा, आप ये बताएं कि आपने तो कई सरकारें देखी हैं यूपी में। बहुत सरकारें हमने देखी है, मायावती की भी सरकार देखी है, वो भी देखी। इससे पहले कांग्रेस ने बहुत सालों तक राज किया है, और मुलायम सिंह की भी सरकार कई बार देखी। इस बार योगी सरकार इस समय 5.5 साल लगभग पूरे कर रही है, तो इन सरकारों में आपको ज्यादा अच्छे कार्य किसके लगे? हमको ज्यादा अच्छे कार्य योगी जी के लगे। योगी जी के, ये आज आज़ादी के 70 साल से कोई भी नेता हमारे गरीब राशन कर दिया है, और राशन मिलने में कोई दिक्कत भी नहीं होती, आसानी 2 बार मिल रहा है, और 2000 रुपये भी मिल रहे हैं किसानों को, ऐसा किसी शासन में हुआ ही नहीं। अच्छा जैसे लोग, जनता ये आरोप लगा रही है कि इस समय योगी सरकार में आवारा पशु जो है, आवारा पशुओं से काफ़ी नुकसान किसानों का हो रहा है, तो इस बारे में क्या बताएंगे आप? मतलब योगी सरकार अच्छी कह रहे हो, ठीक है, लेकिन आवारा पशुओं से किसान परेशान है, तो कैसे सत्ता में आएगी? इस चीज का विरोध है सही जनता में? सत्ता में तो उसको आना ही है, आना है। बस सत्य ये है कि जो
ये पशु बाड़ा बनाए गए हैं गौशाला, इनमें कर्मचारियों को ठीक किया है। ये कर्मचारी लोग पैसे तो ले लेते हैं और अंदर जानवर रख लेते हैं और बाद में उनके चारा पानी की कोई व्यवस्था नहीं करते और रात को छोड़ भी देते, ये नुकसान हो रहा है। तो इसमें किसकी कमी है? इसकी कमी जो बाड़ा में कर्मचारी, उनकी कमी। अच्छा, कर्मचारियों की कमी है। हाँ। आपके गांव में कोई आवारा पशु तो नहीं छूटे हैं? नहीं, हमारे गांव के चारों तरफ घूम रहे हैं। यहाँ पर ग्राम प्रधान के द्वारा कोई कार्रवाई की गई? कोई कार्रवाई नहीं की गई, ग्राम प्रधान कुछ सुनता ही नहीं है, शराब पिए सवेरे बैठा रहता शाम तक। ग्राम प्रधान है कौन, क्या नाम है? ग्राम प्रधान एक भार्गव हुआ है आलमपुर का, कुछ देखता ही नहीं है। हमारी जनता में क्या हो रहा? तो उन्होंने अभी तक कोई आवारा पशु नहीं पकड़वाया? कोई नहीं पकड़वाया। अच्छा, तो ये सब कुछ होते हुए अभी फिर भी आप जो है भाजपा को ही वोट देंगे? नहीं, वोट तो हम कमल के फूल पर ही लगाएंगे। अच्छा, वोट कमल पर ही लगाओगे। हाँ। और उसके अलावा कोई चारा नहीं, दूसरा रास्ता नहीं है। अच्छा, आप भैया अपना नाम बताओ। मोहन। पूरा नाम बता दो। मोहन तिवारी। आप युवा हो, आप बताओ, आप युवाओं के लिए कुछ योगी जी ने किया है? जी, बहुत कुछ किया गया। जैसे कि अभी उन्होंने तकनीकी प्रशिक्षण में लैपटॉप दिए, टैबलेट फोन, स्मार्टफोन का वितरण किया। बस रहते यही हुआ कि चुनाव आयोग ने उस पर रोक लगा दी, तो उन्होंने कहा कि अभी नहीं बांटे जा सकते, बाद में बांट दिया जाएगा। काफ़ी सारे उन्होंने अभी अयोध्या पे उन्होंने योगी जी ने कहा कि यहाँ से बच्चे जो भी गरीब के होते हैं, ठीक है, तो वो फ्री ISPCS की कोचिंग कर सकते हैं, जो भी चाहे वहाँ से कर सकते हैं। वैसे क्या था, हम लोग जाते थे मतलब आउट ऑफ सिटी पढ़ने, तो वहाँ का खर्चा हम लोगों का बचा, अपना ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, अच्छी शिक्षा है, अच्छा सब कुछ है। कुल मिला के अखिलेश सरकार से योगी सरकार कैसी लगी? 100.1 बेस्ट है, मतलब 101% सही है। हाँ। तो दोबारा जो है योगी जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे? बन चुके हैं। बनेंगे क्या? बन चुके हैं अभी से कंफर्म है, वो दोबारा आने वाले ही। अच्छा। तो आपने देखा यहाँ पर ग्राम कबीरपुर में लगभग ब्राह्मण समुदाय से बात की गई, तो सभी का मत है योगी आदित्यनाथ को ही दोबारा मुख्यमंत्री बनाएंगे, और योगी जैसा मुख्यमंत्री इन लोगों का कहना है अभी तक कोई नहीं हुआ है। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ सर्वेश दीक्षित की रिपोर्ट, जिला संवाददाता। देखिए कैमरामैन उमेश सिंह के साथ सर्वेश दीक्षित की इस खास रिपोर्ट में। बज गया बिगुल, बिच गई चुनावी मिसाल, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी हार? सत्ता के सबसे बड़े रणक्षेत्र का हाल, उत्तर प्रदेश के चुनावी दंगल की सबसे बड़ी खबरें। विधानसभा का महासंग्राम सिर्फ R9 भारत पर।